बीरपुर थाना क्षेत्र के पर्रा पंचायत के फुलकारी गांव स्थित वार्ड संख्या 14 में शुक्रवार को सेविका व सहायिका की बहाली का समाचार संकलन करने के दौरान आवेदिका विभा कुमारी के पति विनय शर्मा के द्वारा बीरपुर प्रखंड के दैनिक अखबार शनमार्ग के पत्रकार धर्मेंद्र ठाकुर के ऊपर जानलेवा हमला कर बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। इस संबंध में दैनिक शनमार्ग के पत्रकार धर्मेंद्र ठाकुर ने बीरपुर थाने में दिए आवेदन में बताया कि पर्रा पंचायत के वार्ड संख्या 14 के फुलकारी गांव में सेविका व सहायिका की बहाली से संबंधित समाचार LS अर्चना कुमारी से संकलन कर रहा था। इसी दौरान आवेदिका के पति विनय शर्मा ने मुझे बुरी तरीके से पीटकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया और जाते जाते मेरे जेब से तकरीबन 3200 रुपये निकाल कर धमकी दिया कि आगे से ऐसा कोई समाचार संकलन करने पर जान से मार देंगे। वहीं स्थानीय लोगों ने आनन फानन में पीड़ित को उठाकर बीरपुर PHC में भर्ती कराया। घटना को लेकर प्रमुख अजय झा, सुरेश पासवान, नवीन सिंह, मुखिया राम शंकर दास ने घोर निंदा की है। इस घटना से संवाददाता धर्मेंद्र कुमार काफी सहमे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब देश के चौथे स्तंभ भी सुरक्षित नहीं है। बीटी न्यूज़ बिहार के लिए बीरपुर से शशि कुमार की रिपोर्ट।